हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल यूपी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, अगर आपके समर सिविल की मोटर चाहे 1 HP की हो या 2 HP की हो, वो कम पानी दे रही है और नहीं चल पा रही है दोस्तों, और कम वोल्टेज हैं, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा उसके साथ में। तो वीडियो पूरी देखें लास्ट तक, चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपकी 1 HP की मोटर हो या 2 HP की हो या 5 HP की हो, जितनी भी सिंगल फेज की समरसेबल की मोटर हो दोस्तों, आप उसका पानी बढ़ा सकते हैं और कम वोल्टेज आ रहे हैं तो कम पे भी चल जाएगी। 150 वोल्टेज से 200 वोल्ट तक आराम से चलेगी दोस्तों। 150 वोल्टेज है तब भी चलेगी, 200 है तब भी चलेगी, और 220 है आपकी मोटर तब भी चलेगी। 150 पे भी इतना ही पानी देगी और 220 पे भी इतना ही पानी देगी। बस आपको ये वीडियो देखनी है दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, इस बात को समझ लें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बात समझने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसमें लिखा हुआ होना चाहिए 50 MFD, 400 वोल्ट तक ये काम करेगा। तो इसमें 50 MFD लिख रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह का ही आपको एक कैपेसिटर लेना है, रनिंग वाला, ध्यान रखें। दूसरा काम क्या करना है आपको, ये इस तरह का ही 50 MFD का दूसरा कैपेसिटर ले लेना है, ये भी 400 वोल्ट तक काम करेगा। तो फिर अब हम क्या काम करते हैं दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है 100-120 का, और ये स्टार्टिंग का है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग लिख रहा है 100-120 का। और ये दोस्तों बहुत कम पैसों पर मिल जाते हैं, कहीं से भी आप मार्केट से ले सकते हैं, ये 150-150 रुपये के मिल जाते हैं, ये भी 150 का मिल जाता है, ये 180 का मिल जाएगा कहीं पे आपको, ये 150 का भी मिल जाता है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं पे ये 180 का मिलता है और 150-150 रुपये के ये मिलते हैं। तो आप इसको ला के आप अपनी मोटर का पानी बढ़ा सकते हैं दोस्तों, और वोल्टेज भी बढ़ा सकते हैं, आपकी मोटर भी नहीं जलेगी। बस कनेक्शन आपको करने हैं जैसे मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो कनेक्शन सीखने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस डोरी के मदद से आपको कनेक्शन बता रहा हूं कैसे करनी है कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, ये जो रनिंग के कैपेसिटर हैं, ये रहा, ये 50 MFD का है, ये भी 50 MFD का, यहाँ पर ध्यान रखें। और इन कैपेसिटरों के दोनों के तार, कोई सा भी, इसमें कोई माइनस प्लस नहीं होता है, इसका तार इसमें लगा दें या इसका इसमें लगा दें, तो कोई सा भी इसमें से हम तार ले लेते हैं, दोनों रेडी हैं, कोई सा भी उल्टा सीधा नहीं होता है क्योंकि ये एसी करंट है। तो यहाँ पे लगाते हैं इसको और यहाँ इसको जोड़ देते हैं, दूसरा तार यहाँ पे इसको लेते हैं और इसमें ये जोड़ देते हैं, यहाँ पर ये हमने दो कैपेसिटर जोड़ दिए। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, समझने वाली बात है ये। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ये जो आप पीला वाला तार देख रहे हैं, इस पीले वाले तार में कोई सा भी तार, ये वाला तार ले लें आप या ये वाला ले लें, कोई सा भी तार इस पीले वाले जो मोटर का नीचे को ये केबल जाता है बोरिंग में, जो मोटर को चलाता है ये केबल, इसका एक पीला वाला तार हमें ले कर इसमें बांध देना है, यहाँ पर इसमें बांध दिया। और अब हम क्या काम करेंगे, ये जो आप तार देख रहे हैं लाल वाला, इस लाल वाले तार को दोस्तों यहाँ पे बांध देंगे इसमें दूसरे कैपेसिटर में, यहाँ पे बांध दिया, ये देखें यहाँ पे दोस्तों, ये जो दो कैपेसिटर के तार हैं लगे हुए, ये एक पीले में बांध दिया हमने और एक ये लाल वाले में बांध दिए, दोनों जो कैपेसिटर के तार हैं इसमें लगे हुए। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये 100-120 का जो कैपेसिटर है स्टार्टिंग वाला, इसको हमें क्या काम करना पड़ेगा, एक तो लगाना पड़ेगा इस पीले वाले में यहाँ पे, और इस पीले वाले में लगा के हम क्या काम करेंगे दोस्तों, ये आप देखते रहें दोस्तों, बहुत अच्छी वीडियो है दोस्तों। अगर आपने ये देख ली तो दोस्तों आपको अपने समरसेबल में पानी जो कम दे रहा है या कम वोल्टेज हैं, कम वोल्टेज की वजह से ही समरसेबल कम पानी देता है, वो दिक्कत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर इसको टैप लपेट देना है इस पे पीले वाले पे, पीले वाले का कोई भी काम नहीं रहा। अब हम क्या काम करते हैं दोस्तों, ये रनिंग वाले का जो 100-120 वाला कैपेसिटर है,
ये देख रहे हैं यहाँ पे, इसका एक तार बचा हुआ है। इस एक तार के साथ में हमें क्या काम करना पड़ेगा दोस्तों, इसको हम क्या काम करते हैं, पहले इसमें MCB में लगा देते हैं। और MCB में कौन सा तार लगाना है हमें, ये जो नीला तार आ रहा है इस केबिल में से नीचे से जो मोटर वाला है, और इस MCB में लगाना है। इस MCB को हम क्यों लगाते हैं, क्या फ़ायदा इसका लगाने के, क्या नुकसान है, ये भी बताएंगे हम दोस्तों। इस MCB को इसमारे लगाते हैं हम, अगर आपकी मोटर पर लोड ज़्यादा है या फॉल्ट मार रही है, कहीं केबिल फॉल्ट है या लाइट दोस्तों ज़्यादा हाई आ गई है, तो ये यहाँ से ये गिर जाएगी, इस तरह से ये यहाँ पे गिर जाएगी, यहाँ पे ऑन होगी और यहाँ पे गिर जाएगी। और ये स्विच का भी काम करती है दोस्तों, चलाने का भी। आपको डायरेक्ट जो दो तार लगाते हैं लाइट आते में, वो चिटकारी निकलती है उसमें से, फॉल्ट होने का भी खतरा रहता है। तो हम इस MCB को इसलिए लगाएंगे। तो लगाना कौन सा तार कहाँ पे है दोस्तों, इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, लोड अ लाइन, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे लोड लिखा हुआ है। तो हमें लाइन के तार कहाँ पे देनी है, लोड के कहाँ पे देनी है। तो ये लोड जाएगा इसमें को दोस्तों, तो हम इसका तार इसमें लगाएंगे, इस केबिल का यहाँ पे लोड में, और इसको यहाँ पे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे, क्योंकि टाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और MCB को लगाने के फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। तो हमने यहाँ पे टाइट कर दिया दोस्तों, और अब हम क्या काम करेंगे, कोई भी तार ले लेंगे। ये हमने लाल लिया है, इसके नीले के आगे को सभी ले सकते हैं, नीला ले लें आप तो जब भी कोई बात नहीं है, लाल ले लें कोई भी बात नहीं है तब भी। तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं इसमें, और इसमें लगा के यहाँ पे इसको टाइट कर देते हैं। बस आपको वीडियो देखनी है दोस्तों, आपकी मोटर बहुत ही ज़्यादा पानी देगी। तो हमने दोस्तों यहाँ पे MCB लगा दी है ये, और अब हम क्या काम करेंगे, ये जो तार देख रहे हैं आप, ये तार बचा हुआ है, इस तार को हम क्या काम करेंगे, पहले हम इस लाल वाले तार में ये यहाँ पे जो लग रहा है ये, इसको लगा देंगे दोस्तों। ये जो लाल वाला केबल का तार आ रहा है, और दो कैपेसिटर के तार लगे हुए हैं इसमें, रनिंग वाले कैपेसिटर के, इस तार में ये लाल वाला तार बांध देंगे यहाँ पे, ये बांध दिए। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं इस पे हम टैप नहीं लपेटेंगे, या तो आप कोई स्विच लगा लें यहाँ पे, या फिर स्विच नहीं लगाएंगे तो दोस्तों हम ये जो दो तार लगाएंगे मोटर को चलाने के लिए, एक तार तो ये लगाएंगे यहाँ पे इसको लाइट में, और एक इसको दोस्तों लगा दिए हमने दोनों तार। आपकी 1 HP की मोटर के लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों ये तरीका, तब आपके यहाँ पे 150 वोल्टेज आ रहे हैं, क्योंकि 150 वोल्टेज आ रहे हैं तो तभी ये चीज़ अच्छी चलाएगी मोटर को। और ज़्यादा वोल्टेज आ रहे हैं तो दोस्तों आप एक इसमें से रनिंग वाला कैपेसिटर हटा दें तो आपकी मोटर सही अच्छी चलेगी। अगर 200 वोल्टेज आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं तो दो रनिंग के लगा लें, एक ये स्टार्टिंग का लगा लें ये जो लग रहा है, और 2 HP की मोटर है उसके लिए भी आपको ऐसे ही करना है। और 5 HP की मोटर जो आपको चलानी है कम वोल्टेज पर, 150 वोल्टेज पर, तो दोनों रनिंग के लगे रहने देना है, एक स्टार्टिंग का ये लगे रहने देना। तो लगाने कैसे हैं दोस्तों, इन दोनों तारों को लगा दिए हमने जैसे लाइट में, एक इसको और एक इसको, MCB से इसको हम ऑन करेंगे, यहाँ पे ऑन कर दिया जैसे हमने इन दोनों तारों को लगा के, तो हम इससे ऑन करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार इस तार को ऐसे लगा कर ऐसे बचा लेना है बस, सिर्फ MCB से ऑन किया 1 सेकंड में, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों चालू की हमने MCB से मोटर को, ये इस तरह से बंद है मोटर, दोनों तार लगा दी हमने ये, और ये लगा के हम MCB को ऐसे ऑन करेंगे। तो इस तार को दोस्तों इस तरह से एक दफ़े लगा के बचा लेना है, यहाँ से ऐसे लगा के बचा लेना, तो आपकी मोटर अच्छी चलेगी और उठ जाएगी। और जो कम वोल्टेज आ रहे हैं ये दो कंडेंसर हैं, ये कम वोल्टेज को पूरे करेंगे, बस आपको ये करना है। और इन दोनों तारों में आप स्विच भी लगा सकते हैं, या कोई प्रेस बटन लगा सकते हैं दाबने के लिए, जो इसमें करंट जाए, और करंट जाके दोस्तों वो बिल्कुल ऑफ हो जाए, बस आपको एक झटका जैसा देना है इसको यहाँ पे,
बस एक ये स्टार्टिंग देनी है दोस्तों, और मोटर चल जाएगी और मोटर भी बहुत ज़्यादा पानी देगी। तो मैंने आपको बता दिए कनेक्शन कैसे किए जाते हैं दोस्तों, कैसे कनेक्शन करने हैं और क्या क्या काम करना है। तो ये है कैपेसिटर रनिंग वाला, ये इसके तार रेगुलर लगे रहने नहीं चाहिए, इसको बस स्टार्टिंग का उठाने का मतलब होता है और फिर ये फ्री हो जाता है। ये रनिंग के होते हैं, ये मोटर को रनिंग देते रहते हैं, चलाते रहते हैं। इनका काम हर टाइम मोटर को चलाने का होता है और इनको लगे रहना होता है हर टाइम। तो मैंने 1 HP के बारे में बता दिया आपको, 2 HP के बारे में बता दिया और 5 HP की समर सेल की मोटर के बारे में भी बता दिया। तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह की वीडियोस मिलती हैं, जाके देख सकते हैं। और भी समर सेल से कोई भी रिलेटेड आपको जानकारी पूछनी हो तो हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी ऐसी वीडियो दोस्तों, और भी हमारे YouTube चैनल पर आती रहेंगी। चाहे आपका समर सेल 10 HP का हो या 7.5 HP का हो या 12.5 HP का हो, कोई सी भी कंपनी का हो, कोई सी भी मोटर हो, समर सेल की हो, बिना समर सेल की हो, उसको कैसे चलाएं, कैसे उसको वायरिंग करें उसके तारों की। तो यही थी आज की जानकारी दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।